जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे से इनडिटरमिनेट फॉर्म x स्क्वायर माइनस फोर बाय x माइनस टू एंड x इक्वल टू टू, देन ए फंक्शन इज अनडिफाइंड। फंक्शन क्या है? अनडिफाइंड है। इस फंक्शन का वैल्यू निकालना हो, लिमिटिंग वैल्यू निकालना हो, इस फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए लिमिट का यूज करते हैं। और ये कैसे अपना काम करेगा, यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी बात को देखते हैं। जैसे इस फंक्शन को ब्रेक करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर फोर होगा बाय बाय एक्स माइनस टू, ए स्क्वायर डिनोटेड ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू बाय एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू कैंसिल हो गया, एक्स प्लस टू। फंक्शन विल बी इन द फॉर्म ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू, देन वी पुट वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू टू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, डज नॉट लिमिटिंग वैल्यू। किसी एक पार्टिकुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू टू के लिए वैल्यू निकलेगा, एफ टू यदि फाइंड करते हैं, एफ टू क्या आ जाएगा, टू प्लस टू या फोर, दिस इज ए इक्वल वैल्यू, एफ टू का इक्वल वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू फोर दिया, लिमिट में लिमिटिंग वैल्यू मिलता है, इक्वल वैल्यू नहीं मिलेगा। तो लिमिट, अब इस फंक्शन को लिमिट का यूज करते हुए कैसे ब्रेक करेंगे, दैट इज किसी फंक्शन को, इस फंक्शन को कैंसिल आउट करना नहीं है, कैंसिल आउट करना नहीं है, और इस फंक्शन का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे कंडीशन देखेंगे, कंडीशन एक्स इक्वल टू टू पे फंक्शन अनडिफाइंड है, बट एक्स इज लेस देन टू पे और एक्स इज ग्रेटर देन टू पे फंक्शन इज कंप्लीटेड। एक्स इक्वल टू टू पे फंक्शन अनडिफाइंड है, बट एक्स इज लेस देन टू पे तो फंक्शन क्या है, डिफाइंड है, और एक्स इज ग्रेटर देन टू पे भी फंक्शन डिफाइंड है। तब यहाँ देयर आर टू केस अराइज, यहाँ पे दो केस अराइज होगा, व्हेन एक्स इज लेस देन टू एंड एक्स इज ग्रेटर देन टू। अब केस अराइज होगा, एक्स इज लेस देन टू व्हेन व्हेन एक्स इज लेस देन टू, एक्स इज लेस देन टू, लेस देन टू का अर्थ हुआ एक्स का कोई भी वैल्यू होगा जो दो से छोटा होगा, दो से छोटा कहने का अर्थ हुआ ये पॉइंट कैसा मिलेगा, फॉर एग्जाम्पल एक्स का वैल्यू में भी 1.9 और 1.99 और 1.999 और 1.9999, दिस इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स लेस देन टू है बट एक्स का वैल्यू क्या देगा, ये अप्रोक्स टू के बराबर होगा, लगभग दो के बराबर होगा, एक्स का मान 1.9 होगा या 1.99 होगा या 1.999 होगा और ये 1.9999 होगा, यह लगभग दो के बराबर ही है, एज पर 1.99 अप्रोक्स अप्रोक्स इक्वल टू टू, लगभग ये दो के बराबर है, लेकिन ये दो है तो नहीं, दो के बराबर है लेकिन ये दो नहीं होगा, दो से छोटा लेना है और दो से बड़ा नहीं लेना है। अभी इसी फंक्शन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया गया, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सपोज कीजिए यहाँ पे पॉइंट की जीरो है, वन है, टू है, थ्री है, सम पॉइंट आगे तक वन है, इधर माइनस वन है, माइनस टू है, माइनस थ्री है, डॉट डॉट, एक्स का वैल्यू दो से छोटा, एक्स यहाँ पे कोई पॉइंट टू के लिए बात किया जा रहा है, एक्स इज लेस देन टू, लेस देन टू यानी पॉइंट से बैक साइड लेफ्ट साइड में, पॉइंट टू से इधर क्या है, लेफ्ट साइड में है, इसको हम लोग जनरली एन एच एस कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, बट इन द लिमिट वी यूज एल एच एल, एल एच एल फॉर व्हाट, एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट, एल एच एल फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस पॉइंट से राइट साइड, इस पॉइंट से दाहिने साइड आगे बढ़ेंगे तो आर एच एस मिलेगा, और इस आर एच एस का यूज हम लोग यहाँ पे करेंगे आर एच एल के रूप में, आर एच एल के रूप में राइट हैंड लिमिट।
पॉइंट से दाहिने तरफ पॉइंट से बड़ा होगा और एक पॉइंट से छोटा होगा। जब आर एच एल कब यूज आएगा, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन टू। एक्स का वैल्यू ऐसा लेना है जो दो से बड़ा हो लेकिन दो के लगभग बराबर हो। एक्स का वैल्यू ऐसा लेना है जो कि दो से बड़ा भी होना चाहिए और दो के लगभग बराबर होना चाहिए। आप कहिएगा एक्स का वैल्यू थ्री ले लेते हैं, तो एक्स का वैल्यू थ्री तो आप लिए, जो थ्री तो ग्रेटर देन टू तो है बट अप्रोक्स बराबर तो ये नहीं है। ऐसा वैल्यू को चूज नहीं करना है जो कि दो के बराबर नहीं हो। दो के बराबर नहीं वाले वैल्यू को नहीं लेना है, वैसा वैल्यू लेना है। फॉर एग्जाम्पल एक्स का वैल्यू टेक कर सकते 2.01। दिस इज द एक्स इज ग्रेटर देन टू, 2.01 इज ग्रेटर देन टू, या 2.01 है जो दो से बड़ा है लेकिन लगभग दो के बराबर है। लगभग दो के बराबर है। या आप दूसरा पॉइंट ले सकते 2.001। दिस इज ये भी वैल्यू दो से बड़ा है लेकिन लगभग दो के बराबर है। दो के बराबर का वैल्यू लेना, दो बराबर लेना नहीं है क्योंकि फंक्शन दो पे अनडिफाइंड हो गया है। फंक्शन दो पे अनडिफाइंड 0/0 के फॉर्म में आ गया है, 0/0 के फॉर्म में। तो x का वैल्यू लेना है दो से छोटा और दो से बड़ा। दो से छोटा लेंगे तब वन नहीं ले लेना है, अब वो ऐसा ही वैल्यू लेना है जो कि दो के लगभग बराबर हो, दो से छोटा हो या दो से बड़ा हो। जैसे x का वैल्यू लिए 1.9, तो 1.9 क्या है, वह ये x दो के लगभग बराबर है, दो से वेरी वेरी क्लोज टू a है, यानी किसी बिंदु से बहुत ही नजदीक है। 1.99 ये भी पॉइंट है जो कि दो के बहुत ही करीब है लेकिन दो के बराबर यह नहीं है। 1.99 डज नॉट इक्वल टू 2 बट अप्रोक्स 1.99 अप्रोक्स इक्वल टू 2 अप्रोक्स इक्वल टू 2। 1.99 दो के बराबर तो नहीं है लेकिन 1.99 है जो लगभग दो के बराबर है। यहाँ पे फंक्शन में दो मिला आपका एक LHS, LHS का यहाँ पे यूज हम लोग नाम करेंगे LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, और दूसरा फंक्शन को देखेंगे RHS, RHS को यहाँ पे यूज करेंगे RHL, RHL फॉर राइट हैंड लिमिट एंड LHL फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट। LHL का एक अलग फंक्शन आएगा, इसका अलग डिफिनेशन आएगा। किसी भी बिंदु पर LHL का वैल्यू फाइंड करने के लिए कुछ रूल है, वो रूल देखेंगे हम लोग। हियर टू केस अराइजेस LHL एंड RHL। LHL वैल्यू किसी भी पॉइंट से सम छोटा, यानी किसी भी बिंदु से कुछ छोटा होगा लेकिन लगभग बराबर होगा, और RHL किसी भी बिंदु से कुछ बड़ा लगभग बराबर होगा, अप्रोक्स बराबर होगा, अप्रोक्स बराबर। जैसे आप देखें x इक्वल टू टू पे फंक्शन इज अनडिफाइंड, x का वैल्यू क्या लेना 1.999 समथिंग और x का वैल्यू लेना है 2.0001 समथिंग। x का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन टू, x का वैल्यू दो से बड़ा है और यह वैल्यू दो से छोटा है। जब दो से छोटा होगा, दो से किसी भी बिंदु की बात कहा जाएगा, उस बिंदु से छोटा होगा, इस फंक्शन पे निकाला जाएगा LHL, और जब यह दो से बड़ा होगा इस फंक्शन पे निकाला जाएगा RHL। LHL और RHL, LHL फॉर LHL लेफ्ट हैंड लिमिटेड, लेफ्ट हैंड लिमिट RHL राइट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। LHL का एक अलग फॉर्मूला है किसी फंक्शन fx के लिए, किसी फंक्शन fx के लिए एट सम पार्टिकुलर पॉइंट एट x इक्वल टू a, किसी भी पॉइंट ए के लिए बात किया जाएगा। तो जब ए के लिए बात किया जाएगा तो LHL के लिए फॉर्मूला बन जाता है लिमिट
x tends to a minus f x, limit x tends to a minus f x, this value is approx equal to f a, ये वैल्यू लगभग f a के बराबर होगा, and RHN limit x tends to a plus f x, this is value of f x approx equal to f a, RHN राइट हैंड लिमिट, इसका फंक्शन का वैल्यू होगा, फॉर्मूला होगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx इक्वल टू fa, ये लगभग वैल्यू देगा fa और ये भी fa, कहा जाता है लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा और कब एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट एग्जिस्ट एक ही कंडीशन है करेगा, when LHL equal to RHL then limit exist, when LHL equal to RHL then limit exist or not, यदि LHL बराबर होगा RHL के तो limit exist करेगा और नहीं तो नहीं करेगा, चलिए आज के लिए इतना है, कल फिर हम लोग मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।